नमस्कार, शाम के 7 बजने को है शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आपको बता दें, धर्म कर्म सिर्फ ये दो शब्द नहीं है इस वक्त जो आप देख रहे हैं, बल्कि मौजूदा राजनीति का सार है। धर्म का संकट आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से राजनीति में धर्म और कर्म एक दूसरे के पूरक और एक दूसरे के विरोधी भी बने हुए हैं। कुल मिलाकर अपने आप में स्थिति मौजूदा राजनीति की ऐसी हो गई है कि कौन सत्ता पक्ष के साथ है और कौन उसके खिलाफ है, यह पता नहीं चल पा रहा है। धर्म कर्म के इर्द गिर्द ही चुनावी राजनीति चलती रही है, कभी फायदा कभी नुकसान, कभी शांति कभी घमासान। लेकिन इस बार घमासान मचा है उत्तर प्रदेश चुनाव की ओर बढ़ता हुआ, मगर उसके पहले ही कुछ ऐसा घट रहा है जो यूपी की हवा को गर्म कर रहा है। यूपी पुलिस ने तय किया है कि इस बार यूपी में मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, ना तो ताजिया निकाली जाएगी और ना ही मातम में हथियारों की नुमाइश होगी। यूपी पुलिस ने कोविड और शांति सुरक्षा का हवाला देकर यह निर्णय लिया है, मगर यूपी पुलिस का यह निर्णय शिया समुदाय को चुभ गया है। देखिए, हुसैन की याद में यूपी में इस बार नहीं होगा मातम, नौहा में नहीं रोएंगे जैनब, हुसैन के चाहने वाले नहीं भेज सकेंगे यजीद को लानते, क्योंकि इस बार यूपी में मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलेगा, नहीं सजाई जाएंगी ताजिया, नहीं बांधा जाएगा ताजिया के आगे परचम, नहीं होगा करबला का रुख, क्योंकि इस बार यूपी में नहीं होगा मुहर्रम का जुलूस। इसमें किसी भी तरह के समुदाय या धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा गया है। इसमें ये सिर्फ बताया गया है कि जो असामाजिक तत्व हैं, वो सौहार्द बिगाड़ने का कार्य कर सकते हैं, उन पर कड़ी नजर रखी जाए और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, और इस तरह के आदेश प्रत्येक त्योहार के पहले जारी किए जाते हैं। कुछ कोविड के नियम, कुछ असामाजिक तत्वों से बचने की कवायद, कुछ सौहार्द बचाने की कोशिशें और कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, इन सब को मिलाकर यूपी पुलिस ने निर्णय लिया है कि यूपी में मुहर्रम का जुलूस नहीं होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो अभी के निर्देश प्राप्त हुए हैं तथा कोविड के संबंध में जो भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश है, उसका समावेश किया गया है। तो यूपी पुलिस का आदेश है कि मुहर्रम पर सख्ती रहेगी, जुलूस की इजाजत नहीं होगी, ताजिया निकालने पर रोक होगी और हथियारों की नुमाइश नहीं की जाएगी। और हाँ, इसमें किसी वर्ग विशेष या समुदाय की भावनाओं को आहत करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे निर्देश वही हैं जो कि पूर्व में जारी किए गए थे, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, और किसी भी तरीके से किसी भी वर्ग विशेष या धर्म विशेष के की भावनाओं को आहत करने की इसमें कोई बात नहीं है। ये विभागीय ऑर्डर है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभागीय अधिकारियों को ये सूचनाएं दी गई। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, मुहर्रम कोई त्योहार नहीं है, ये एक महीना है। इसी महीने से इस्लाम में नए साल की शुरुआत मानी जाती है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को शिया समुदाय के लोग इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं और मातम मनाते हैं। ये एक भावनात्मक लम्हा है और इसी भावनाओं पर यूपी पुलिस का फरमान चढ़ा तो शिया समुदाय नाराज हो गया। शिया समुदाय को आपत्ति डीजीपी मुकुल गोयल की चिट्ठी में लिखी भाषा से है। पहले ये चिट्ठी भी पढ़ लीजिए। मुहर्रम पर शिया समुदाय तबर्रा पढ़ता है, इस पर सुन्नी समुदाय को एतराज होता है। जवाब में सुन्नी मदहे सहाबा पढ़ते हैं, असामाजिक तत्व भी सक्रिय रहते हैं, आवारा पशुओं पर तबर्रा लिखा जाता है, सार्वजनिक स्थानों पतंगों पर भी तबर्रा लिखा जाता है, सुन्नी समुदाय के असामाजिक तत्व भी सक्रिय रहते हैं, ये तत्व अपने खलीफाओं के नाम लिखते हैं, इससे दोनों फिरकों में कटुता बढ़ती है। मुहर्रम सांप्रदायिक लिहाज से अति संवेदनशील है। तबर्रा एक नफरती तकरीर है और मदहे सहाबा मोहम्मद साहब के साथियों शिष्यों और शिष्यों के समूह के लिए पढ़ी जाती है। दोनों के बीच तनाव ना हो इसलिए निर्णय लिया गया है, लेकिन शिया समुदाय के धर्मगुरु इस निर्णय से बिफर पड़े हैं। शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद कहते हैं कि यूपी पुलिस को अदालत के कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि ये सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। ये यौन संबंधी घटना है किसके साथ हुई, ये तो इनको तो अदालत के कटघरे में लाना चाहिए, सबूत दें। आपने पूरी कम्युनिटी को बदनाम किया है। यौन संबंधी घटनाएं होती हैं और गौवंश वध होता है, गाय काटी जाती है, इसका मतलब हिंदू मुस्लिम फसाद फड़काने की भी इसमें तैयारी है। ये देख लीजिए, आप इसमें देखिए। शिया समुदाय अब यूपी पुलिस से नाराज है
उसने ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक बुलाई है। मतलब ये कि मुहर्रम पर मातम मुहर्रम से पहले ही शुरू हो गया है। दिल्ली से तंसीम हैदर और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। धर्म कर्म सिर्फ दो शब्द नहीं है बल्कि मौजूदा राजनीति का सार है। धर्म का संकट आपने देख लिया, अब कर्म की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस और बीएसपी को यह तय करना है कि उनकी लड़ाई किससे है, बीजेपी से या फिर समाजवादी पार्टी से। अखिलेश के इस बयान का अर्थ लोग अपने अपने तरीके से लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि अखिलेश गठबंधन का संकेत दे रहे हैं, तो कोई बोल रहा है कि अखिलेश को अभी से हार का डर सता रहा है। यूपी के लड़के साथ आए लेकिन रंग नहीं जमा पाए। बुआ बबुआ भी साथ आए लेकिन बीजेपी को हरा नहीं पाए। इन प्रयोगों से असफल हुए अखिलेश को फिर से उम्मीद है कि अगर विपक्ष वैचारिक तौर पर साथ आ जाए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस और बीएसपी को सोचना है कि उनकी लड़ाई बीजेपी से है या समाजवादी पार्टी से। अखिलेश के बयान के मायने चाहे जो हो, मगर उनके बयान से कयासों और सवालों का दौर शुरू हो गया है। सवाल उछाले जा रहे हैं कि क्या अखिलेश फिर से गठबंधन की ओर देख रहे हैं? क्या अखिलेश कांग्रेस और बीएसपी से सहयोग चाह रहे हैं? क्या अखिलेश उत्तर प्रदेश में महागठबंधन जैसी कवायद कर रहे हैं? ये सवाल उठे तो समाजवादी पार्टी की ओर से बयान दिया गया कि बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन की नहीं वैचारिक एकता की जरूरत है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, देश आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। यहाँ महंगाई बेरोजगारी बढ़ी हुई है, नफरत की राजनीति हो रही है, समाज के अंदर में डिवाइड एंड रूल हो रहा है। अब जिम्मेदारी हर नागरिक की और समाज के हर दल की है, वो एक साथ वैचारिक रूप से आएं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएं और देश को बचाएं। कांग्रेस की ओर से ये तो नहीं कहा गया कि अखिलेश की बातों का वो समर्थन करेंगे, मगर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता जरूर कह रहे हैं कि कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से है। इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक और विभाजनकारी नीति के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम गांव गांव जाएंगे, पांव पांव जाएंगे, नगर नगर जाएंगे, डगर डगर जाएंगे। लेकिन विपक्ष के इस राजनीति के बीच बीजेपी खुश है। वो खुश इसलिए है क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अभी से पस्त है और मदद की मांग कर रही है। अखिलेश यादव जी ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला वो कैसे करें। पहले उन्होंने दो युवराज का साथ पसंद किया लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने खारिज कर दिया। बुआ बबुआ का गठजोड़ बनाया लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जीत नहीं पाए। अब 2022 के चुनाव में नैया कैसे पार लगे, इसके लिए सबका आसरा तलाश रहे हैं। छोटे छोटे दलों से भी आसरा है, बहुजन समाज पार्टी से भी आसरा कर रहे हैं और कांग्रेस से भी आसरा कर रहे हैं, लेकिन वो कितनी भी जुगत लगाए भारतीय जनता पार्टी के विकास के मॉडल पर जाति और जमात की राजनीति अब जीत नहीं पाएगी। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। बीएसपी के ब्राह्मण गठजोड़ वाली राजनीति उफान मार रही है। अखिलेश यादव भी ब्राह्मणों को लुभाने की राजनीति में पूरी तरह शरीक हैं। बीजेपी की ओर से पीएम मोदी और अमित शाह ने पहले ही मोर्चा खोल दिया है। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे समय बीतेगा ये चुनावी चक्रव्यूह और ज्यादा रोमांचित करेगा। अखिलेश यादव का ये कहना कि बसपा और कांग्रेस ये सोचे कि वो किसे हराना चाहती है, ये अपने आप में सियासी तौर पर एक बड़ा बदलाव वाला बयान है। अखिलेश यादव लगातार ये कहते रहे हैं कि वो किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, वो छोटे दलों को साधेंगे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ये कहना पड़ा कि बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां किसे हराना चाहती हैं ये तय करें। कहीं ना कहीं एक इशारा इस बात को लेकर छुपा है कि अभी आने वाले वक्त में पॉलिटिकल रियलाइनमेंट का दौर शुरू हो सकता है। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। धर्म कर्म में अगली कड़ी एक तस्वीर है। पहले इस तस्वीर को जरा आराम से देख लीजिए। ये तस्वीर चारा घोटाले में जेल से बाहर आए लालू प्रसाद यादव और बीमारी से उबरे मुलायम सिंह यादव की है।
दोनों ही अपनी अपनी राजनीति के सिरमौर रहे हैं, दोनों अपने अपने सूबे के क्षत्रप रहे हैं और दोनों ने ही अपने समय में सियासत का संसार रचा था। लेकिन इस तरह से लालू और मुलायम का मिलना यूं ही नहीं है। लोकसभा चुनाव होने में भले ही अभी 3 साल का वक्त बचा हो, लेकिन विपक्षी दल मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी समेत बाकी दलों के नेता आपस में लगातार मिल रहे हैं। इसी कड़ी में आज लालू यादव ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। दोनों नेताओं के बीच चाय पर करीब 40 मिनट तक लंबी चर्चा हुई है। तो राजनीति में हर तस्वीर के अपने मायने हैं, यह आपने देख लिया। लेकिन अब एक और तस्वीर आप देख रहे हैं नीतीश कुमार की। धर्म कर्म में अगली बात नीतीश कुमार की हम करेंगे। पेगासस जासूसी कांड के मसले पर सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। इसी जासूसी कांड पर संसद भी नहीं चल पा रही। विपक्षी हमलावर हैं, सरकार इस मुद्दे से खुद को बचाना चाह रही है। मगर इसी वक्त बीजेपी के सहयोगी जेडीयू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वो कह दिया जो बीजेपी की बेचैनी बढ़ाने वाली है। नीतीश कुमार ने कहा है कि पेगासस जासूसी कांड की जांच होनी चाहिए। क्यों करते हैं? होना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। तो पहले ही दिन पूछे जिस पेगासस जासूसी कांड पर सदन में हंगामा थम नहीं रहा। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मानू। जिस जासूसी कांड पर विपक्ष सरकार की घेरेबंदी कर रहा है और जिस जासूसी कांड की जांच को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम मचा हुआ है, उसी जासूसी कांड पर अब नीतीश कुमार ने भी विपक्ष के सुर में सुर मिला दिया है। कहने के लिए तो नीतीश कुमार का जेडीयू एनडीए का सबसे बड़ा सहयोगी दल है, मगर एनडीए की लाइन से इतर नीतीश ने जो कुछ कह दिया है वो विपक्षियों के सुर में सुर मिलाने जैसा है और बीजेपी को जलाने जैसा। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहले ही दिन पूछे हैं, लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके या आखिर किसी को किस तरह से फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए। पेगासस मामले पर नीतीश का यह बयान सरकार की चिंता बढ़ा सकता है, क्योंकि पहली बार एनडीए के भीतर से जासूसी कांड की जांच की मांग उठी है और वो बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी की ओर से विपक्ष लगातार पेगासस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर सरकार पर दबाव बनाने के लिए मंगलवार को राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई जिसमें टीएमसी भी शामिल होगी। मैं जैसा यहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं तो वो वही वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ता पे बुलाया गया है। लेकिन इस बैठक से पहले नीतीश का यूं जांच की मांग करना कल की बैठक का बड़ा पॉइंट हो सकता है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि विपक्ष को साथ लाने की राहुल की कोशिशों का कोई असर नहीं होने वाला। आजकल ओलंपिक का माहौल चल रहा है तो मैं एक ही बात कह सकता हूं कि जब ये सरकार में थे तो हिट विकेट होते थे, अब जब विपक्ष में आ गए तो नो बॉल कर रहे हैं और ये हिट विकेट और नो बॉल दोनों इनका बंटाधार करने में मददगार हुई है। विपक्ष की इस बैठक के पहले नीतीश कुमार ने जांच की मांग वाला बयान देकर सियासी हलचल पैदा कर दी है। माना यह भी जा रहा है कि नीतीश के इस बयान के पीछे दबाव वाली राजनीति है, क्योंकि बिहार में एनडीए के भीतर जिस तरह के बयानों का दौर चल रहा है उससे साफ लगता है कि गठबंधन में सब कुछ सामान्य नहीं है और नीतीश पेगासस के मुद्दे पर विपक्ष के पाले में खड़े होकर शह और मात के खेल में बीजेपी से बढ़त लेने की कोशिश में है। आज तक ब्यूरो। नीतीश कुमार की राजनीति तो नीतीश कुमार ही जाने, मगर उनकी इस राजनीति ने बीजेपी की पेशानी पर बल्ला दिया है। इसके पहले भी नीतीश कुमार की पार्टी से आवाज उठी थी कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। कहने के लिए तो जेडीयू बीजेपी के दोस्त है, मगर जेडीयू से उठी इस आवाज ने बीजेपी को परेशान कर दिया। इसके बाद तो बीजेपी की ओर से भी जेडीयू पर करारा पलटवार किया गया। नरेंद्र मोदी जी तो पीएम ही हैं, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल हैं। वो अपने पार्टी के साथी
कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हम हमारे बारे में सब बोलने की कोई जरूरत। नीतीश के चेहरे में कोई भविष्य के पीएम का अक्स देख रहा है। नरेंद्र मोदी जी तो पीएम ही है, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल है। तो कोई कह रहा है कि 10 से 20 साल तक पीएम पद खाली ही नहीं, कोई वैकेंसी वहां नहीं है। स्पष्ट तौर पर जान लीजिए कि आगे के दिनों में भी नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री। किसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश अंगद की तरह नजर आ रहे हैं, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल हैं। तो कई दिल्ली दरबार के सपने को बिहार के गद्दी पर संकट बता रहे हैं। तो मटेरियल का कमी थोड़ी है। बयानों की ऐसी खिचड़ी है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि बिहार की सियासत में आखिर पक क्या रहा है। कुर्सी की लड़ाई का ये नया किस्सा आखिर शुरू कहां से हुआ, पहले उस बयान को सुनिए। नरेंद्र मोदी जी के पद पर या उनका जो अभी स्टेटस है उस पर उसको हम कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन पीएम मटेरियल आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी तो पीएम ही है, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल हैं। उपेंद्र कुशवाहा के ये वचन बीजेपी के कुछ नेताओं को शब्दबाण की तरह चुभ गए। फौरन ही बीजेपी के कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी तरकश से जुबानी तीर जेडीयू की ओर छोड़ दिया। कोई वैकेंसी वहां नहीं है, स्पष्ट तौर पर जान लीजिए कि आगे के दिनों में भी नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री। अभी तो 10-20 साल तक इस पे कोई चर्चा ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी के सहयोग से देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने तो एक कदम और आगे जाकर मुख्यमंत्री पद के विकल्पों की लिस्ट ही जारी कर दी। भारतीय जनता पार्टी में अगर सीएम मटेरियल बनाना होगा तो हमारे यहाँ श्री नित्यानंद राय जी, डॉक्टर संजय जायसवाल जी और भी नेता हैं, तो मटेरियल का कमी थोड़ी है। 2024 के सियासी घमासान में अभी 2 साल से भी ज्यादा का वक्त है, लेकिन प्रधानमंत्री पद को लेकर जेडीयू की ओर से बयान अभी से आने लगे हैं। हालांकि बयानों के सियासी बौछार के बीच नीतीश खुद को इस लड़ाई से अलग बता रहे हैं। वो अपने पार्टी के साथ ही कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हम हमारे बारे में सब बोलने की कोई जरूरत नहीं। हम तो सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। हमारे मन में कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं। नीतीश कहें भले कुछ भी, लेकिन उनकी पार्टी की ओर से आए बयान के बड़े सियासी मायने हैं। मौजूदा दौर में ममता लगातार मोदी के खिलाफ गैर एनडीए दलों को गोलबंद करने में जुटी हुई हैं। इस बीच नीतीश कुमार ने अचानक हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात कर सबको चौंका दिया। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि चौटाला ने हाल ही में तीसरे मोर्चे के गठन की इच्छा जताई थी। उधर बिहार एनडीए इस घमासान से आरजेडी को सियासी हमले का मौका मिल गया। आरजेडी कह रही है कि बिहार सरकार तो वेंटिलेटर पर है। जो सरकार में शामिल दल है उनकी नीति अलग है, तो फिर ये क्या जनता की भलाई करेंगे। बिहार में सरकार वेंटिलेटर पर है और जो हम लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि ये सरकार किसी भी समय गिरेगी अपने अंदरूनी अंतर्कलह से, इसमें दम दिख रहा है। कुल मिलाकर संसद में सरकार की घेराबंदी के बीच दिल्ली की लड़ाई भी तेज हो गई है। अगर जेडीयू नेताओं के ऐसे बयान आगे भी आते रहे तो दिल्ली का तो पता नहीं, बिहार के सियासत पर इसका असर पड़ना तय है। बेगूसराय से उत्कर्ष सिंह के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक। और अब बात ममता बनर्जी और उनके खिलाहोबे की कर लेते हैं। ममता बनर्जी बंगाल जीतने के बाद अलग अलग जगहों पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। टीएमसी के नेता त्रिपुरा में भी खेला होबे का थीम सॉन्ग बजा रहे हैं, मगर इन सब के बीच बिल्कुल वैसी ही हिंसा देखने को मिली जैसी बंगाल चुनाव में देखने को मिली थी। बिल्कुल उसी स्टाइल में डंडे से हमला हुआ जैसा बीजेपी के नेताओं पर बंगाल में हुआ था, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि इस बार यह हमला ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हुआ है। खेला होबे का सियासी गीत बंगाल की सीमा को पार कर त्रिपुरा की धरती पर गूंजा, तो देखिए इस सियासत के क्या साइड इफेक्ट हुए।
चालू हवे प्रकल्प हवे उन्नयन। जिस गाड़ी पर डंडों से हमला किया गया है उसमें ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी सवार हैं। अगर तला की सड़क पर अभिषेक बनर्जी का काफिला गुजरा तो बीजेपी का झंडा थामे कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। विरोध और नारेबाजी के बीच कार के शीशे पर दो बार डंडे से हमला किया गया। अभिषेक बनर्जी ने खुद ये वीडियो ट्वीट कर त्रिपुरा की बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। बीजेपी राज में त्रिपुरा में लोकतंत्र, सीएम बिप्लब देब का राज्य को ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए शुक्रिया। दरअसल पश्चिम बंगाल में जीत के बाद त्रिपुरा में सियासी जमीन मजबूत करने के मकसद से अभिषेक बनर्जी राज्य के दौरे पर पहुंचे हैं, लेकिन जगह जगह उन्हें जिस तरह का विरोध झेलना पड़ा उससे साफ है कि टीएमसी का ये नया मिशन इतना आसान होने वाला नहीं है। टीएमसी की ओर से सड़कों के किनारे ममता बनर्जी और अभिषेक के पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन रातों रात इन पोस्टरों को फाड़ दिया गया।